हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम नैना है, मैं मात्र अभी 17 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अपने घर की एक लौटी बेटी हूँ। मैं अपने मम्मी की गुड़िया हूँ, वो अपने पापा की परी हूँ। पापा मेरे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पापा एक साधारण प्राइवेट टीचर थे, पर मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। एक दिन पापा ने मुझसे कहा, नैना बेटा तुझे क्या चाहिए? मैंने ना सोचा ना समझा अपने पापा से कह दिया, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर बनना है। पापा को पता था कि डॉक्टर बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, फिर भी पापा ने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे डॉक्टर बनाने की। पापा ने मुझसे कह तो दिया, पर पापा उस दिन से बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। मेरे अंदर तो बचपना था, पर पापा का मुरझाया चेहरा देख मुझे भी चिंता सी होने लगी थी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, माँ पापा आजकल इतना ज्यादा चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें दुखी कभी नहीं देखना चाहती, पर मेरा भोला और मासूम मन यह नहीं समझ पाया कि पापा मेरी वजह से ही चिंतित है। मैंने कई बार अपने पापा से भी पूछने की कोशिश की कि पापा आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई देते हो, पर पापा ने मुझे दुखी ना करते हुए मुस्कुराकर कह दिया, बेटा वैसे भी थोड़ी तबीयत खराब है। एक दिन मेरे घर पापा के दोस्त मनीष अंकल आए। पापा ने उनसे अपनी परेशानी बताई। पापा ने मनीष अंकल से बताया कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यह बात एक कोने में खड़ी मैंने भी सुन लिया। फिर मुझे समझ में आया कि शायद पापा मेरी ही वजह से इतने ज्यादा चिंतित है। मनीष अंकल ने मेरे पापा को बताया कि इतने पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, तुमको ही कुछ अलग काम करना पड़ेगा। पापा ने कहा, क्या मैं अलग काम क्या कर सकता हूँ? मनीष अंकल ने कहा, या तो तुम बड़ा सा बिजनेस करो या तुम विदेश चले जाओ। पापा ने मनीष अंकल से कहा, बिजनेस करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, पर विदेश जा सकता हूँ, पर मेरा कोई अपना नहीं है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाए। फिर मनीष अंकल ने मेरे पापा से कहा, भाई तुम कहो तो मैं अपने छोटे भाई से बात करता हूँ, मेरा भाई वही थाईलैंड में रहता है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर देगा और तुम्हें थाईलैंड पहुँचाने में सहायता भी करेगा। मनीष अंकल की यह बातें सुनते हैं मम्मी और पापा दोनों के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान छा गई और मैंने भी एक कोने में खड़ी बहुत खुश हो गई कि चलो मेरे पापा थाईलैंड में रहेंगे, एक प्राइवेट स्कूल टीचर की बजाय थाईलैंड में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, जिससे हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद मनीष अंकल ने अपने छोटे भाई से बात करके पापा को वही थाईलैंड में भिजवा दिया। मैं और मम्मी दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि मम्मी भी जब से अपने ससुराल आई थी तो पापा की टीचर की नौकरी होने की वजह से एक एक पैसा जोड़ कर ही रखती थी। उनका भी कोई सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, पर पापा जब थाईलैंड गए तो मनीष अंकल से कहकर गए थे कि मेरे घर किसी भी चीज की अगर जरूरत होगी तो आप मेरे परिवार वालों की मदद जरूर कर दीजिएगा। मनीष अंकल हमारे घर के बहुत ही करीब रहते थे। उन्होंने पापा से कहा, ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं भाभी और नैना को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा जब थाईलैंड गए और फोन पर सबसे पहले उन्होंने परी से बात किया, यानी कि मुझसे, मैंने भी अपने पापा को आज तक इतना दूर कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन मैं पहली बार पापा से बात करके बहुत रोई थी। पापा भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए मुझे समझाते हुए कहे, नैना तुम चिंता मत करो बेटी, मैं जल्दी आऊंगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है बेटा, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, मेरी डॉक्टर बेटी ऐसे कमजोर कैसे हो सकती है। फिर मैंने भी अपने पापा को संभालते हुए कहा, पापा से अच्छी तरीके से मैंने बात किया। उसके बाद पापा ने मम्मी से बात किया और कहा, तुम दोनों अच्छे से रहना,
यहाँ पर हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत जो कर रहे थे, मैं उनकी मेहनत को जाया नहीं करने देना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब मैं शाम को स्कूल से अपने घर आई तो मनीष अंकल मेरे ही घर पर आए हुए थे, पर उनका आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वह तो आज सुबह में ही आए थे और कोई बात होता तो फोन पर ही पूछ लेते, पर मनीष अंकल का उठना बैठना मेरे घर कुछ ज्यादा ही हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मनीष अंकल इतना मेरे घर पर आखिर क्यों आ रहे थे। मम्मी को भी उनका आना पसंद नहीं था, पर आ जाते तो आखिर क्या करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मैंने मम्मी को मनीष अंकल से बात करते हुए सुन लिया, वो मुझे सुनाई दिया। मैं अपने आप पर और अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, और मैं अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने तुरंत मम्मी के हाथ से फोन को काट दिया और बोला, मम्मी आखिर आप क्यों ऐसा कर रही हो, आखिर क्यों मम्मी आप मेरे पापा को धोखा दे रही हो, आप बहुत गलत कर रही हो। मम्मी मेरा गुस्सा और मेरी बात सुनकर एकदम डर गई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, नैना मुझे माफ़ कर दो, हाँ मेरा और मनीष का अफेयर चल रहा है, पर यह सब कैसे हो गया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। पर बेटा अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, अपने पापा को ये सारी बातें मत बताना, नहीं तो हमारा घर बिखर जाएगा। बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। बेचारी मम्मी मुझसे माफ़ी मांगती ही रह गई, पर मैं माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी मम्मी को समझ नहीं पाई। मैं बहुत गुस्सा हो रही थी, मम्मी मेरे पैर भी गिर गई, पर मैंने उन्हें माफ़ी ना देने की ठान। मेरी और मेरी मम्मी में इसी तरह बहस हो रही थी, तभी हमारे घर मनीष अंकल आ गए। शायद उन्हें पता चल गया था कि मुझे मम्मी और उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आते ही मेरी मम्मी से पूछा, क्या हुआ नैना, इतनी गुस्सा क्यों हो रही है। मम्मी ने गुस्से में मनीष अंकल से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। मनीष अंकल और मम्मी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी मैं फोन उठाकर पापा को फोन लगाने लगी। मम्मी ने तुरंत फोन मेरे हाथ से छीन लिया। फिर भी मैं शोर मचाने पर खुली थी, मेरे अंदर बचपना था। बेचारी मम्मी अब तो उनसे गलती हो ही गई थी और वह अपनी गलती का प्रायश्चित भी करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, पर मैंने उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए मनीष अंकल से धीरे से नींद की दवाइयाँ मंगवाई और मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया कि मैं थोड़ी देर तक सो जाऊँ और शांत रहूँ। मैं बहुत देर तक सोई रही और जब मेरी आँख खुली तो फिर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उतावली होने लगी। मम्मी ने ना चाहते हुए भी मुझे दोबारा नींद की दवाइयाँ खिला दी। बेचारी मम्मी बहुत चिंतन में थी और वो अपने परिवार को बचाने के लिए सोच रही थी कि नैना को आखिर कैसे समझाया जाए जिसके वो मान जाए। इसी तरह कई दिनों तक मम्मी मुझे नींद की दवाइयाँ सुला दिया करती। मम्मी को भी शायद समझ नहीं आया नींद की दवाई का डोज ज़्यादा होने की वजह से एक दिन मैं उठी ही नहीं, हमेशा के लिए सो गई। शायद मम्मी मुझे बहुत जगाने की कोशिश की और अपने आप को पीट पीट कर रोने लगी, पर उस दिन मम्मी की गुड़िया कभी नहीं उठी। मम्मी यह सब होता देख शायद बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और उन्होंने शायद मनीष अंकल को घर बुलाया। मनीष अंकल को देख मम्मी रोने लगी और कहने लगी कि यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम्हारे चक्कर में ना नहीं आई होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। मम्मी ने रोते रोते मनीष अंकल से कहा, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे भी मार दो। मनीष अंकल बहुत डर चुके थे और उन्होंने मम्मी को बहुत समझाया और कहा, अब तो जो होना था सो हो गया, तुमने जानबूझकर तो नैना को नहीं मारा ना। मनीष अंकल ने मम्मी को समझाते हुए कहा, अगर तुम मर जाओगे तो दुनिया और तुझे नैना के मौत का जिम्मेदार समझेगी, इसलिए एक काम करते हैं, बॉडी को बक्से में भर देते हैं और बहुत दूर
नदी में फेंक देते हैं। मम्मी ये सब करना नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उन्हें यह सब करना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो दुनिया मरने के बाद भी मुझे गाली ही देगी कि इसने तो अपनी बेटी को मार दिया, पर मम्मी मुझे नहीं मारी थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे एक बक्से में भरा और बहुत दूर जाकर नदी में फेंक दिया। और मम्मी ने डरते डरते पापा के पास फोन किया और बोला नैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अचानक उसकी मौत हो गई। पापा तो यह सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। पापा तुरंत फ्लाइट पकड़कर घर आ गए। जिस दिन पापा घर आए उसी दिन मेरी लाश पुलिस वालों को एक बक्से में मिली। पर शायद मेरी मम्मी की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जिस बक्से में मेरी लाश पुलिस वालों को मिली थी उसी बक्से में मेरे पापा का नाम लिखा था और वह बक्सा तैरते तैरते मेरे गांव के बगल की नदी के पास से मिला जिसमें मेरी लाश मिली। पुलिस वाले बक्से के ऊपर लिखा नाम पढ़ के मेरे पापा के घर आ गए और उन्होंने उस बक्से को पापा को दिखाया। पापा तुरंत बक्से को देखकर पहचान गए। पापा ने कहा इसमें मेरी बेटी की लाश कैसे, मेरी बेटी की तो तबीयत खराब होने की वजह से मरी है। यह बात सुनते ही पुलिस अंकल को शायद मेरी मम्मी पर शक हुआ और वह मेरी मम्मी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मम्मी ने लोगों को सारी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि मैंने नैना को जानबूझकर नहीं मारा, पर उसकी बातों पर विश्वास कौन करने वाला।